दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेकानंद यादव। आज प्रेस वार्ता में RLSP के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए उचित बातों को दर्शाने का प्रयास किया। यह बातें उन्होंने कही कि पर्यावरण का जो बिगड़ता हुआ खेल है, इस पर्यावरण बिगड़ने का सबसे बड़ा दोषी नीतीश कुमार और बिहार सरकार स्वयं है। जो पटना की हालत हुई, जो लोगों की स्थिति बिगड़ी, जो जल जमाव हुआ, इस पर नीतीश कुमार जी ने स्वयं बयान दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आखिर नीतीश कुमार जी किसे नहीं बख्शेंगे? स्वयं उनकी जानकारी में एम्स अस्पताल बना, वहाँ तालाब था, बड़ा सा जलाशय था, उसे भरा गया, कई पार्क शहर में अतिक्रमण करके बनाया गया, सारे जलाशय को बंद करके वहाँ बिल्डिंग मंजिलें खड़ी कर दी गई। बिहार सरकार के और नीतीश कुमार के देखरेख में सारी कामें हुई। अगर सरकार बना चुकी है तो उसे तोड़कर गिराना संभव नहीं है। उसी क्षेत्रफल में और पटना के अंदर कई ऐसे स्थान खाली पड़े हुए हैं जहां जलाशय की व्यवस्था की जाए। अगर यह नहीं करी जाती है, आने वाले दिन में पटना के लोगों की स्थिति और बद से बदतर होगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार सरकार की विदाई अगले साल तय है। जाते जाते बिहार सरकार कुछ अच्छा काम करके जाए। 15 साल में उन्होंने जो किया सो अब तो जनता के सामने झलक चुका है। अब जाते जाते वो अच्छा काम करके जाएं, ताकि जनता कहे कि 15 साल के शासन काल में कुछ भी तो अच्छा हुआ। क्योंकि पटना की हालत के अलावे बिहार के अन्य जिला की हालत बद से बदतर हो गई। कहा गया कि तालाब और कुआं खुदवाया जाएगा, गूगल के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि कहां कहां तालाब कुआं का अतिक्रमण हुआ, खोजा जाएगा, खोज के वहां फिर से तालाब और कुआं बनवाया जाएगा। लेकिन पटना के अंदर में सरकार के नाक के नीचे, सरकार के जानकारी में स्वयं सरकार ने अतिक्रमण किया और कई जगहों को मिट्टी भर के वहां बिल्डिंग खड़ा किया गया, तो इसका दोषी कौन? अब इसके अलावे अब दूसरे जगह में इस तरह की बिल्डिंग के जगह पर जलाशय बनावे ताकि लोगों को सुविधा हो सके। बिहार सरकार पर कड़ा प्रहार उपेंद्र कुशवाहा ने किया और सही बातें कही कि पर्यावरण सुधारने के लिए कुछ तो अच्छा करना होगा। तो दोस्तों, चारों ओर से नीतीश कुमार को हमला झेलना पड़ रहा है इन दिनों। अब नीतीश कुमार जी की विदाई तय है, ऐसा कहा जाता है। अब उचित काम वो करें ना करें, उनकी मर्जी। विपक्ष काफी जोरदार तरीके से हमला करने में लगी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बात सुझाया, अब नीतीश कुमार जी क्या क्या करते हैं वह वक्त आने पर पता चल पाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।